अगर अब नई पीढ़ी के सब लोगों को एहसास हो गया तब हमको खुशी है। आश्रम है, ये सब बच्चे 180 बच्चे दलित रहते हैं और इसमें मांग चांग कैसे कर रहे हैं कि सब वो महिलाएं सब, आपका जो भाषण हुआ था गौना में, एक आध आदमी कोई करे तो दिखाने में आज तक मेरी पहुंच नहीं हो पाई। दो बार जनता दरबार के वापस आई, आज भी वहां से यहां आए गए। आपकी दृष्टि हो जाएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं तो चंपारण में ग्राम उद्योग खड़ा कर दूंगा। जिससे बोले किनारे पूरा रहेगा तो ठीक रहेगा, तो इसको हम पूरे कम से कम 50% लोगों को रोजगार दे सकता। हमारे वहाँ 20 साल अंदर चलता है, फिर करघा है, ड्राफ्टिंग मशीन है, सारे कपड़े हम स्वयं तैयार करते हैं। रंगाई पूरा कपड़ा खुद खाना चाहते हैं, बनारस से बौधा से रंगवाए, वो मशीन यहाँ हो जाता है, एक नंबर हम खाली यहाँ होते हैं। चरखा टाइम भाई, चरखा उधर से हटा लीजिए, हटा लीजिए, किसी को किसी को फल जाएगा। कहीं मिक्स नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नरकटिया घंटे के बाद आइए और मैं आपको बधाई देता हूँ, आपका यात्रा सफल हो और समाधान, यही समाधान पूरे राज्य में। मैं शत्रुघ्न झा, मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर था, मैंने छोड़ दिया और ये बस अब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, यात्रा मंगल हो। हम लोग का भी समाधान हो गया। मुख्यमंत्री जी कितना प्रभावित था, हमारा मंत्री। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।